I am Manoj Kumar Sharma, faculty member, Major Kalsi Classes Private Limited, Allahabad. आज सी डी एस का एग्ज़ाम हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा. हम 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आज देने जा रहे हैं और जल्द ही 90 क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम लोड कर देंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और सेट ए मेरे पास है, सेटे हमारे पास हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट 4 डिजिट नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 16, 36, 45, 48 इज. इसमें पूछा गया है कि एक ऐसा 4 डिजिट का हाइएस्ट नंबर फाइंड करिए जिसमें 16, 36, 45 और 48 से डिवाइड किया जाए तो वह डिविजिबल हो जाए. तो इसे हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 720 हो जाएगा और इस 720 से आप 4 डिजिट का हाइएस्ट नंबर 9999 होता है इसमें आप डिवाइड करिए. डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये आ रहा है और इस रिमाइंडर को हम 9999 से माइनस कर देंगे तो वह डिविजिबल नंबर फाइंड हो जाएगा. जैसे हम कि सॉल्यूशन कर चुके हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 9360. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है, गिवन है, एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर ए, वाई इज इक्वल टू जेड टू द पावर बी एंड जेड इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर सी. और इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है. तो इलिमिनेट हम करते चलेंगे तो जल्दी सोल्यूशन होगा. जैसे वाई की वैल्यू जेड टू दी पावर बी दिया है, वाई में पुट कर दिया, वाई की वैल्यू जी जेड टू दी पावर बी यहाँ पुट करेंगे तो जेड टू दी पावर बी का होल टू दी पावर ए हो जाएगा. और जेड की वैल्यू एक्स टू दी पावर सी दिया है तो उसे भी हम इलिमिनेट कर दें जेड की वैल्यू. तो एक्स टू दी पावर सी टू दी पावर ए बी, पावर से पावर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स टू दी पावर ए बी सी और इस साइड में एक्स टू दी पावर वन है. बेस सेम होता है तो हम पावर को इक्वेट करते हैं तो देयर फॉर ए बी सी इज इक्वल टू वन. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 + 2 to the power 2/3 + 2 to the power 1/3 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस एक्स क्यू माइनस 6x² + 6x विल बी. एक्स इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 to the power 2/3 + 2 to the power 1/3 दिस इज द गिवन. एक्स ट्रांसफर कर लेंगे, एक्स माइनस टू दिस इज इक्वल टू दिस क्यूबिक बोथ साइड, एक्स माइनस टू का होल क्यूब 2 to the power 2/3 + this का क्यूब. एक्स माइनस टू का होल क्यूब का एक्सपेंशन कर लेंगे, दिस का भी एक्सपेंशन कर लेंगे और इसे जब आप सोल्यूशन करेंगे तो एक्स क्यू माइनस 6x² + 12x - 8 = 4 + 6 × x - 2 + 2 और इसे हम सोल्यूशन कर देंगे तो एक्स क्यू माइनस 6x² + 6x दिस इज इक्वल टू 8 - 6 = 2. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स वाई एक्स एक्स इच ऑब्लिक आर डिजिबल बाई 33. 5 डिजिट का नंबर ये है और यह नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 33 से परफेक्ट डिजिबल है. तो हम मेथड जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिजिबल बाई 3 देन द नंबर इज परफेक्ट डिजिबल बाई 3. यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी.
क्योंकि ये 3 × 11 का फैक्टर है। तो पहला मेथड हम लोग समझ गए कि 3 से यह नंबर डिजिबल भी होना चाहिए, फिर 11 से भी डिजिबल होना चाहिए। तो 11 का मेथड है सम ऑफ द ऑड प्लेस नंबर एंड सम ऑफ इवन प्लेस नंबर इज डिफरेंस और 0 और 11। सम और विषम स्थानों पर लिखे गए अंकों का अंतर 0 आ जाए या 11 के मल्टीपुल में आ जाए तो वह नंबर 11 से डिजिबल होता है। जैसे ये ऑड प्लेस पर ये डिजिट लिखे गए हैं, इसे हम प्लस करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स तो ये होगा 2x, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये 2x प्लस वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और 11 आना चाहिए। सॉल्व करने पर y इज इक्वल टू 0 या 11 आ रहा है, अर्थात केवल y की वैल्यू हम देख रहे हैं कि यहाँ चेंज हो रहा है। तो यह 1 डिजिट नंबर है यहाँ और ये 11 2 डिजिट का नंबर आ जा रहा है, तो इसलिए y डज नॉट इक्वल टू 11, y की वैल्यू 11 नहीं हो सकता है। तो y की वैल्यू क्या होगा? 0। अब यहाँ पर ऐसा हम नंबर लिखते चलेंगे जिससे कि यह 3 से डिजिबल भी हो और 11 से भी डिजिबल हो जाए। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, यहाँ पुट कर देंगे तो ये नंबर आ रहा है। 6 रखने पर ये नंबर आ जाएगा, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 0 रखने पर दिस नंबर। तो ये ऐसे 3 नंबर्स आ रहे हैं जो 33 से परफेक्ट डिजिबल है। इसके 3 पेयर्स बन रहे हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अ 5 डिजिट नंबर्स x y 2 3 5 इज डिजिबल बाय 3 वेयर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर डिजिट सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई? यह एक ऐसा नंबर दिया है एक्स वाई 2 3 5 कि वह नंबर 3 से परफेक्ट डिजिबल हो जाए। तो हम जानते हैं कि 3 से डिजिबल तभी हो सकता है जब सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिजिबल हो जाए, तो इसीलिए हम प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इज 10 इज डिजिबल बाय 3। 3 से यह डिजिबल है तो कंडीशन अब क्या बन सकते हैं? जबकि कंडीशन में भी दिया है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो लिया जाए वो 5 के इक्वल हो या 5 से लेस हो, तो 1-1 हम ले सकते हैं दोनों की वैल्यू, 3-2 ले सकते हैं या 2-3 ले सकते हैं या 4-1 या 1-4। तो ऐसे जो है 5 पेयर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5। एक पेयर और बन रहा है 5, 0, 6 पेयर्स इसके बन रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 0 और 5 नहीं हो सकता है क्योंकि यदि हम एक्स की वैल्यू 0 कर दें तो वह 5 डिजिट का नंबर ना होकर 4 डिजिट का नंबर होगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 5 डिजिट का ही नंबर हो, इसलिए एक्स की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो ऐसे 6 पेयर्स बन रहे हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x - 27 इज ग्रेटर देन 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक्स स्क्वायर माइनस 6x - 27 इज ग्रेटर देन 0, इसका हम फैक्टर करेंगे और इसकी जीरोज फाइंड करेंगे। तो इसका फैक्टर करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 3x - 27 फैक्टर करने पर ये कंडीशन आ रहा है x माइनस 9 एंड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0।
इसे हम नंबर लाइन पर देखेंगे कि एक्स की किस वैल्यू को इसमें यूज करने पर ये पॉजिटिव दे रहा है। तो एक्स की वैल्यू 9 है, एक्स की वैल्यू यहां -3 है, नंबर लाइन पर -3 और ये +9 होगा। पॉजिटिव से हम स्टार्ट करते हैं राइट से, प्लस माइनस प्लस। इस साइड में 9 से ग्रेटर, 9 से बड़ी वैल्यू भी रखने पर ये पॉजिटिव देगा, और -3 से छोटी वैल्यू लेने पर भी ये पॉजिटिव देगा। इसलिए एक्स इज ग्रेटर देन 9 और एक्स इज लेस देन -3। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर 38,808 एक्सक्लूसिव ऑफ द डिवाइजर्स 1 एंड इटसेल्फ इज 38,808 के ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे जिसमें एक न शामिल हो और स्वयं न शामिल हो फैक्टर, अर्थात वह नंबर भी न हो। तो दो नंबरों को तो हम ऐसे ही निगलेक्ट करेंगे, लेकिन डिवाइजर्स फाइंड करने के लिए इसका फैक्टर करेंगे आप। तो फैक्टर करने पर ये कंडीशन बन रहा है जो कि 2 का पावर 3 आ रहा है, 3 का पावर 2, 7² × 11 का पावर 1। फार्मूला हम जानते हैं, 3 + 1 पावर को सम करते हैं और पावर में 1 प्लस करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 + 1 × 2 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1 इसका पावर 1 है, तो 1 + 1। और क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1 और इटसेल्फ ने वह नंबर और 1 डिवाइजर दोनों शामिल ना हो, इसलिए हम 2 माइनस कर देंगे, दोनों नंबर को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसे सॉल्यूशन करने पर आ रहा है 70। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8। HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलीनोमियल्स आर x + 3 एंड x³ - 9x² - x + 105 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द 2 पॉलीनोमियल्स इज x² - 4x - 21 देन द अदर इज। दो पॉलीनोमियल्स का LCM और HCF क्वेश्चन में दिया है और एक पॉलीनोमियल्स दे दिया है, तो सेकेंड पॉलीनोमियल्स की वैल्यू पूछा गया है। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलीनोमियल्स इज LCM × HCF। फर्स्ट पॉलीनोमियल्स x² - 4x - 21 एंड इंटू सेकेंड पॉलीनोमियल्स विच इज इक्वल टू LCM दिस × HCF x + 3। इसका फैक्टर आप कर लेंगे तो फैक्टर करने पर x + 3 × x - 7 आ जाएगा। इसका फैक्टर करने से ये बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि इस साइड में हम देख रहे हैं कि x + 3 है, वह निगलेक्ट हो जाएगा, तो इससे केवल डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड पॉलीनोमियल्स इजली से सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए हम इसका फैक्टर किए हैं और ये कैंसिल हो गया और इससे हम इसमें डिवाइड कर दिए जनरल डिविजन मेथड से। हम तो इससे इसमें डिवाइड करने पर x² - 2x - 15 ये आंसर आ जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रियल नंबर सच दैट α + β = -q/p एंड α β = r/p वेयर 1 < p < q > r देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। इसमें दिया है कि अल्फा और बीटा दो रियल रूट्स हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं, जहां α + β की वैल्यू -p/q और α × β = r/p है, जहां 1 < p > q > r है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम होगा? तो हम इसे ऑप्शन से ही सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करने पर 1 α + β की वैल्यू आ रहा है -p/q। सेकेंड ऑप्शन को सॉल्यूशन करने पर -q/r। थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करने पर -α × β = -p/r।
और फोर्थ ऑप्शन को सॉल्व करने पर अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आ रहा है माइनस आर बाई क्यू। यहाँ ये कंडीशन दिया हुआ है कि वन लेस देन पी लेस देन क्यू लेस देन आर। अब इसमें चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमम होगा। सभी चूंकि ये पी क्यू आर पॉजिटिव नंबर्स है क्योंकि वन से ये सभी बड़े हैं तो पॉजिटिव ही होंगे। अब इसमें सबसे ग्रेटर दिया है आर, सबसे ग्रेटर आर है तो आर यहाँ यहाँ पर है तो इन्हीं दोनों में से हम चेक करेंगे कि कौन बड़ा है, क्योंकि इससे भी ये निगेटिव चूंकि नंबर्स हैं और निगेटिव नंबर्स में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा संख्या। और इसमें पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर, तो इस तरीके से यहाँ r की वैल्यू इन सभी से ग्रेटर है इसलिए माइनस पी बाई क्यू सॉरी माइनस पी अपान आर की वैल्यू इन सभी से ग्रेटर है इसलिए दिस की वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10। टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 5 days। हैड ए वर्क ट्वाइस एज इफिशियंटली एज ही एक्चुअली डिड एंड बी वर्क 1/3 एज इफिशियंसी एज ही एक्चुअली डिड। द वर्क वुड हैव कंप्लीट इन 3 days। इन हाउ मेनी डेज कुड ए एलोन कंप्लीट द जॉब। दो कामगार ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ए ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया उससे दुगनी कार्य क्षमता से कार्य किया होता और बी ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया उसकी 1/3 कार्य क्षमता से कार्य किया होता तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है ये प्रश्न में दिया गया है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और हम इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके लिए आप MDH फार्मूला यूज कर लीजिए। ए की कैपेसिटी डबल कर रहा है और बी की कैपेसिटी कह रहा है कि 1/3 है तो ए इंटू 2 प्लस बी बाई 3 और ये दोनों कंप्लीट करते हैं 3 days में। फिर इसके बाद दिया है शुरू में ही लिख दिया है कि ए एंड बी कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो ए एंड बी अपने वास्तविक कैपेसिटी से करते हैं तो 5 days का वर्क लगता है तो ए प्लस बी इंटू 5। इससे हम एक रिलेशन बना लिए तो कैपेसिटी का रेशियो आ रहा है 4:1। ये ए और बी का रेशियो है इफिशेंसी का रेशियो जिसे हम कैपेसिटी लिखे हैं। रेशियो ऑफ डेज इज इक्वल टू 1:4। इसी को इंटरचेंज इन्वर्स करते हैं हम लोग तो दिस का इन्वर्स 1/4 1/1 हो जाएगा। ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 1:4 ये डेज का रेशियो हो जाएगा। ए एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी 4 एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है। दोनों का 1 day का वर्क हम ले लिए तो 1/x 1/4x और ये दोनों कंप्लीट करते हैं 1 day में 1/5 तो 1/5 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 25/4 जो कि a के ही डेज का वैल्यू है तो a 6 होल 1/4 days में उस वर्क को अकेले कंप्लीट कर सकता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। थैंक्स। डिफेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram, Twitter एंड YouTube। थैंक यू।